गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज आज आपके साथ मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्किन केयर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पर जो स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ वो है ये है नेचर एसेंस की फेशियल किट्स है। 5 इसमें वेरियंट्स आते हैं, सभी के सभी मेरे पास है। सो इनको एक को मैं यूज करके आपके साथ शेयर करूंगी कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, काइंड ऑफ डेमो आपके साथ शेयर करूंगी। सो फर्स्ट जो मेरे पास है वो है ये नेचर एसेंस की ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट। सेकंड जो मेरे पास है वो है ये नेचर एसेंस की गोल्ड फेशियल किट। यू कैन सी मैंने अभी तक इनमें से किसी को भी खोला नहीं है, आपके सामने ओपन करूंगी, किसी एक को मैं आपको यूज करके बताऊंगी। ये है, ये मेरे पास पहले भी है। ये है नेचर एसेंस की जेंटल फ्रूट फेशियल किट। इसका फुल रिव्यू डेमो मेरे चैनल पे है, अगर वो देखना है तो आप पूरे स्टेप फेशियल के तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो है वो है ये नेचर फ्लॉलेस पपाया किट। सो आप देख ही सकते हो ये पपाया वाली है। सो उसके बाद जो मेरे पास है वो है नेचर एसेंस वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट, ठीक है, 5th वाली ये है। सो ये है मेरे पास 5 टोटल फेशियल किट्स के साथ ये वाली ट्राई करती हूँ। ये है नेचर एसेंस की ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट फॉर द स्किन दैट ग्लोज विद द रेडियंट ऑफ प्रेशियस गोल्ड। सो ऐसे ही सभी का है कुछ ना कुछ, तो इसको मैं चलिए ओपन करती हूँ। इसमें ना लिखा हुआ है ये 3 यूज पैक है, आप इसको 3 टाइम यूज कर सकते हो। प्राइस है इसका 260 रुपीज, और ये आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाती है। एंड 260 में भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल में आपको पड़ती है। 3 बार आप यूज करोगे 80 रुपीज में आपका एक बार का फेशियल हो रहा है, तो और आपको क्या चाहिए। यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हैं। इसमें आपको एक प्री फेशियल प्रेप D10 थेरेपी फेस पैक भी मिलता है। मैं इसको ओपन करके ही आपको बताती हूँ। लिखा भी हुआ है आपको 5 स्टेप्स मिलते हैं, जैसे आपको 5 स्टेप्स करने हैं पीछे भी इसको इस पे लिखा हुआ है ताकि आपको इजी रहे। अगर आपको नहीं पता पहले क्या लगाना है तो आपको पीछे पता चल जाएगा। सो इस टाइप की कुछ पैकेजिंग में आता है, बाहर का इस टाइप का बॉक्स है, अंदर आपको इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग में मिलेगी, विच इज वेरी गुड। आई थिंक सैशे में उसको एक बार यूज किया, दूसरी बार उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, वो इधर उधर कहीं ना कहीं वो सूख भी जाते हैं। मैंने एक बार किया था, और ये पैकेजिंग काफी अच्छी रहती है ट्यूब वाली, क्योंकि इसको आपको एक बार लगा के उसके बाद आपको इसको बंद करके रख दो तो कहीं भी नहीं जाने वाला, और आपका प्रोडक्ट भी सेफ रहेगा। सो आप देख ही सकते हो इसमें आपको सबसे पहले आपको हर किट में एक D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क मिलेगा। सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग, और ये आपको हर किट में मिलेगा, सेम ही मिलेगा, और ये आपकी जो भी स्किन पे टैनिंग होगी आप उसको रिमूव करता है। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा एक्सफोलिएटिंग ग्लोइंग गोल्ड क्लींजिंग स्क्रब। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा 2 स्टेप है कंडीशन ग्लोइंग गोल्ड मसाज क्रीम, ठीक है। 3rd में आपको मिलेगा हाइड्रेटिंग ग्लोइंग गोल्ड जेल, ठीक है, ये जेल है। और 5th में आपको पॉलिश मिलेगा, यानी कि ग्लोइंग गोल्ड पैक, ठीक है। देख सकते हैं मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल विदाउट मेकअप। एंड कुछ भी आपके फेस पे मेकअप वगैरह तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी अगर आप नहीं भी मेकअप है ना, फिर भी एक बार क्लीन कर लेना अपने फेस को। तो मैंने यहाँ पर क्लीन करके बैठी हूँ, क्या रिजल्ट होंगे वो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं एक्टिव हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको इसमें जो D10 थेरेपी फेस मास्क आपको इसमें मिल रहा है फेस पैक, तो उसको आपको जेंटली अपने स्किन पे ऐसे एक लेयर में लगा लेना है। उसको आपको 15 मिनट तक इसको छोड़ना है, ठीक है। और इस मास्क को आपको 2 मिनट तक, इसके बाद जब थोड़ा सा 15 मिनट के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाता है उसको, उसके बाद आपको थोड़ा सा आपके ड्रॉप्स लेके वाटर की ना उसको थोड़ा सा मसाज करिए अपनी स्किन पर 2 मिनट्स के लिए। एंड सर्कुलर मोशन में आपको इसको मसाज करते रहना है थोड़ा सा, जब ये डिसॉल्व हो जाएगा ना आपकी स्किन थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे इसको रब करोगे तो आपकी स्किन पे रिंकल्स आ सकते हैं। आपको उसको 2 मिनट के लिए मसाज करना है, उसके बाद एक वेट टिश्यू लेना है आपको, आप चाहे तो कॉटन भी ले सकते हो, उसकी हेल्प से आपको इसको रिमूव कर देंगे। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटर कर देता है, ग्लोइंग स्किन देता है आपको, एंड बहुत ज़्यादा ये आपकी स्किन से टैनिंग तो हटाता ही हटाता है जैसा ये क्लेम करता है। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको ये स्क्रब मिलता है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीन करता है। इसमें वॉलनट ग्रेन्स है जो आपकी स्किन पर जेंटली
ही आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, आपको इसको बहुत ही जेंटली अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको मसाज करना है। इसको आपको 3 मिनट तक अपनी फेस पे और आप चाहे तो नेक पे भी मसाज कर सकते हैं, और अच्छे से आपको इसको जेंटली मसाज करना है। ऐसे वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे है, आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत जेंटली किया है। एंड थोड़ा सा जब ये ड्राई हो तो आपको ड्राई नहीं उसको करते रहना, आपको थोड़ा सा अपनी फिंगर टिप्स को गीला कर लेना है, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप्स वाटर लेके आपको उसको तब आपको उसको मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको फेस को आपको वॉश कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है ये ग्लोइंग गोल्ड मसाज क्रीम। इसको ये बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी मुझे एंड काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दे रही थी, तो इसको आपको अपनी स्किन पे लगा लेना है, अच्छे से आपको मसाज करना है अपनी फेस और नेक पे। आप चाहे तो नेक पे भी कर सकते हो। 15 मिनट तक आपको इसको मसाज करना है, बहुत जेंटली अपनी फिंगर टिप्स के साथ ही मसाज करना है। एंड ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूद एंड सपल बना देती है एंड बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइज कर देती है। नेचुरली आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लगेगी आपको, ठीक है। तो इसके बाद आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा उठ के आता है अगर आप अच्छे से स्किन केयर करते हो। 15 मिनट के बाद आप देख ही सकते हो थोड़ी सी ड्राई होगी, उसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है ये गोल्डन ग्लो जेल। काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है, सो ये इसको आपको 2 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है ये इस जेल को, एंड अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको मसाज करना है। सो गाइस ये आपको स्किन को अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है, कूलिंग जेल है ये एंड आपकी स्किन को एक गोल्डन स्पार्कल देती है। सो आप देख ही सकते हो इसको अच्छे से मसाज कर लेना है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको इसको अपने वेट वाइप से ही क्लीन कर लेना है। उसके बाद अपना आप फोर्थ स्टेप जो हमारा है फेस पैक उसको कर लेना है, गोल्डन ग्लोइंग फेस पैक। एंड ये भी काफ़ी अच्छा फेस पैक है, इसको आपको 10 मिनट इसको लगा के रखना है और आपको इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना। आप 10 मिनट तक लगाना है, जब उसके ज़्यादा नहीं लगाना, जब पूरा ड्राई नहीं होगा 10 मिनट में, उसके बाद आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा मसाज करना है। आप देख ही सकते हो थोड़ा सा ड्राई था, थोड़ा सा गीला था, उसको आप मैंने थोड़ी सी ड्रॉप्स वाटर की लेके उसको अच्छे से मसाज कर लिया। एंड उसके बाद उसको मैं वेट वाइप्स की हेल्प से करूँगी एंड उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। सो या आप देख ही सकते हो जितने भी 5 स्टेप्स है, 5 के 5 मैंने अपनी स्किन पे किए हैं एंड काफी ज्यादा स्किन क्लीन हो गई है, फ्रेश लग रही है, बहुत ज्यादा मुझे फ्रेश फील हो रहा है। एंड इस स्किन के ऊपर अगर आप मेकअप भी करोगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसकी पहले वाली मेरी स्किन थी इसको करने से पहले काफी ज्यादा ड्राई सी लग रही थी, यानी कि विंटर में आपकी स्किन वैसे भी ड्राई हो जाती है एंड ड्राई सी थोड़ी सी खिंची खिंची सी, तो उसके बाद अभी काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रही है, डीप क्लीन ऐसे हो गया है, क्लीन अप हो गया हमारा। इसके बाद आप कोई भी टोनर मॉइस्चराइजर लगा सकते हो एंड ये मेरा फेवरेट है। एंड इसके बाद भी आपको मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेना है, याद रहे कि आपको अपना फेस वॉश यूज नहीं करना है, फेस वॉश आपको इसके बाद यूज नहीं करना है, आप अगले दिन कर लो और उसी वक्त आप अपना फेस वॉश से फेस वॉश मत करना, रिच आई फील मुझे लगता है। मेरा खुद इस फेशियल किट के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं एंड आपकी मैं इसके बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक यहाँ पर लगा दूंगी, बिफोर इसके करने में फेशियल करने से पहले वाली फोटो एंड बाद वाली, आप क्लियरली उसमें डिफरेंस देख ही सकते हैं। या गाइस अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं डीएम करके, ठीक है। सो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी।